आज बहुत बच्चों ने कहा है कि सर थोड़ा सा सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बता दीजिए। तो सिंपल इंटरेस्ट को हम बताते हैं विस्तार से। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एक बार आप बोलिए सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। सपोज दैट, मान लिया, देखिए साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट को एसआई कहते हैं, PRT/100, यही फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, PRT/100। अब पी क्या है? प्रिंसिपल, मूलधन। आर का है रेट, दर। टी बराबर टाइम, समय। बात समझ में आ गया? अब मान लीजिए कई लोग अपना जो है ब्याज पर पैसा देते हैं। देखा भाई, 1000 रुपया आपको हम दिए हैं, हमको 10% के हिसाब से चाहिए, ठीक। 5 महीने का कितना ब्याज हुआ? 10 रुपया महीना चाहिए इनको पर मंथ। तो कैसे निकलेगा? एसआई बराबर पीआरटी, पी मूलधन कितना है? 1000। वो कैसे जोड़ते हैं? 100 रुपया पे 10 रुपया, तो 1000 पे 10 दहा में 100 रुपया महीना हुआ। 5 महीने में 500 ये हो गया, 1000 हमारा, 1500 दीजिए। ऐसा ऐसे ही होता है ये, लेकिन उसी को फार्मूले से करें तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई आर, ये रेट है 10%, और मल्टीप्लाई 5/100, कितना हुआ? 10 5 जा 50 और 10 जा 500, ये तो हो गया इंटरेस्ट। अब अमाउंट क्या हो जाएगा? मान लीजिए अमाउंट में जो ये लिए हैं कर्जा, वो तो देना ही देना है, और प्लस जो ब्याज है उसको भी देना है, तो ये हो जाएगा 1500, ठीक है। ये क्लास 4 में भी बताया जाता है, क्लास 5 में भी बताया जाता है, 5 में थोड़ा सा विस्तार से होता है, लेकिन एक ही याद रखिए, एसआई बराबर PRT/100, एसआई बराबर PRT/100। एक बार फिर बोलिए, एसआई बराबर PRT/100। अब जरा देखिए, 1% माने 1/100, 2% मतलब 2/100, 3% इज इक्वल टू 3/100, 4% इज इक्वल टू, आप बोलिए 4/100, 5% इज इक्वल टू 5/100, 6% इज इक्वल टू 6/100, 7% इज 7/100, माने जितना परसेंट है उतना बाई 100 कर दीजिए, और नहीं तो मल्टीप्लाई 1/100 कर दीजिए। 5% मतलब 5 × 1/100, 2% इज इक्वल टू 2 × 1/100, 100% इक्वल टू 100 × 1/100। बात समझ में आई? ओके, एक क्वेश्चन लेते हैं। ए मैन लोन 5000 फ्रॉम ए बैंक, इफ रेट 10% पर एनम हो, तो आफ्टर 5 ईयर्स हाउ मेनी इंटरेस्ट, कितना होगा? तो यहाँ लिखिए पी प्रिंसिपल बराबर 5000, रेट कितना है 10% पर एनम,
टाइम बराबर 5 ईयर्स, अब एस आई बराबर पी आर टी बाई हंड्रेड मतलब पी आर टी बाई 100, 2 0 0 कट गया, 5 10 जा 50, 5 5 जा 25, 1 2 1 2 इतना आ गया इंटरेस्ट। बात समझ में आ गया? हाँ, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप फार्मूले से निकालिए। ये देहाती भाषा लगाएंगे कहीं गड़बड़ हो सकता है, लेकिन फार्मूले से कभी गड़बड़ नहीं हो सकता। महीना का लगाए हैं, महीने का लगाइए, महीने को 12 विषय। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, अभी यहाँ पर हम प्रिंसिपल ले लिए 10,000, क्या ले लिए 10,000, रेट ले लिए 12%, ठीक है, और टाइम ले लिए 9 मंथ, ये है पर एनम। क्या करेंगे अब, तो इस 9 को हम बदल देंगे ईयर में, 9 बाई 12 ईयर। कैसे हुआ देखिए, यहां देखिए, यहां 1 ईयर बराबर कितना मंथ होता है, 12 मंथ, तो 1 मंथ ये फार्मूला ही है, याद रख लेना, 1 बाई 12 ईयर, 1 ईयर बराबर 12 मंथ, तो 1 मंथ बराबर 1 बाई 12 ईयर, 2 मंथ बराबर 2 बाई 12 ईयर, 3 मंथ बराबर 3 बाई 12 ईयर, 4 मंथ बराबर 4 बाई 12 ईयर, 5 मंथ बराबर 5 बाई 12 ईयर, 6 मंथ बराबर 6 बाई 12 ईयर, 7 मंथ बराबर 7 बाई 12 ईयर, 8 मंथ बराबर 8 बाई 12 ईयर, 9 मंथ बराबर 9 बाई 12 ईयर। ओके, अब निकालिए एस आई पी आर टी बाई 100, पी आर टी, पी आर टी बाई 100। बात समझ आ गई? तो देखिए ये कितना, 9 बाई 12 है ना, हाँ, तो 12 से 12 कट गया, एनी प्रॉब्लम, इससे ये भी कट गया, एनी प्रॉब्लम, 9 1 जा 900 एस आई आ गया। बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन में पूछ दे कि कुल कितना अमाउंट देना पड़ा, भाई कुल कितना अमाउंट देना पड़ा, तो उसमें प्रिंसिपल वो देगा जो लिया है, और ब्याज तो उसको देना ही देना है, तो ये 10,000 और ये 900, 10,900 देगा, ठीक। बात समझ में आ गई? ओके, तो ठीक है, तो आप समझिए, और यदि न समझ में आए तो फिर बताइए, और यदि समझ में आ जाए तो अपने मित्रों को भी बता सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, हर स्कूल में हर कॉलेज में पढ़ाया जाता है, एक ये भी सिस्टम है, आप इस सिस्टम से पढ़िए। आई बात समझ में? चलिए, तब तक के लिए आज्ञा दें, धन्यवाद। हम ये चाहेंगे कि बच्चे हमारे समझें और टॉप करें, आप टॉप करेंगे तो हमें खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत